अरे मुसलमानों, अरे अहले बैत के चाहने वालों, एक ऐसा वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में बायस खैर है, बायस बरकत है, अगर तुम मोमिन बन जाए। सवाल हुआ ये किसका वजूद है, तो तमाम तर उलमा ने फरमाया ये किसी और का वजूद नहीं, ये हमारे बारहवें सरकार इमाम ज़माना का वजूद है। ऐ मोमिन, ये वजूद आज तक बाकी है, इसका साया तेरे सरों पर आज तक बाकी है। ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में खैर लाएगा, ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत लाएगा, या ये कहूँ ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लाएगा। फरमाया जिसने भी इस वजूद को मान लिया, ये अल्लाह का वादा है कि हम उसकी ज़िंदगी में खैर भी देंगे, हम उसकी ज़िंदगी में बरकत भी देंगे, हम उसकी ज़िंदगी में सुकून भी देंगे। मैंने पढ़ लिया, आपने वाह वाह कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या हमारी ज़िंदगियों में वो सुकून है? क्या हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में वो खैर है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, जबकि कुरान कहता है जिसने मान लिया उसकी ज़िंदगी में तो खैर होगा, उसकी ज़िंदगी में तो बरकत होगी। फिर ये मोमिन बारहवीं सरकार को मान भी रहा है, कोई मजलिस नहीं जिसकी इब्तदा अपने मौला के नाम से न करे, कोई दुआ और नमाज नहीं जिसकी इंतहा इमाम के सलाम से न करे। तो जब शिया बारहवीं सरकार को मानता भी है, ईमान भी रखता है, फिर इसकी ज़िंदगी में वो सुकून क्यों नहीं है? फिर इसकी ज़िंदगी में वो बरकत क्यों नहीं है? ऐसा सुकून जैसा करबला में सैयदा ज़ैनब को मिला, ऐसा सुकून जो लोके नैज़ा पे हुसैन इब्न अली को मिला, ऐसा सुकून जो जंजीरों में सैयद सज्जाद को मिला, कि फिर भी चेहरे पर इत्मीनान है और कहते थे रिजन रिदा, अरे खुदा तेरी रिदा पे ज़ैनब राजी है, तेरी रिदा पे सैयदुस्साजदीन राजी है। अरे ये कैसा सुकून है जिसने हथकड़ियों को भुलवा दिया, ये कैसा सुकून है जिसने गर्दन के कटने के दर्द को भुलवा दिया, फिर भी हुसैन के चेहरे पर इत्मीनान है। लेकिन यहाँ पर मोमिन थोड़ा सा बीमार होता है, शिकवा करता है, मैं अली वाला, मैं बीमार क्यों हूँ? मैं अली वाला, मेरे पास औलाद क्यों नहीं? मैं अली वाला, मेरे पास दौलत क्यों नहीं? मैं अली वाला, अल्लाह ने ये मुझे क्यों नहीं दिया? तो सवाल यह है, जब कुरान ने वादा कर लिया जो भी इस वजूद को मानेगा उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, उसकी ज़िंदगी में रिदायत होगी, उसके चेहरे पर इत्मीनान होगा, ऐसा इत्मीनान अगर चटाई पर भी सोए तो इत्मीनान है, अगर बिस्तर पर भी सोए तो इत्मीनान है, जिस्म बीमार है फिर भी मुतमईन है, जिस्म ठीक है फिर भी मुतमईन है, ये सुकून कैसे मिलेगा? कुरान ने शर्त बयान कर दी, फरमाया हाँ तुमने जबानों से बारहवीं सरकार को मान लिया, तुमने जबानों से बारहवें इमाम को मान लिया, तुम जबान से अलजल तो कहते हो, लेकिन ऐ मोमिन जब तक ये शर्त पूरी न करो तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून नहीं आ सकता। मौला वो शर्त क्या है आवा भाई, इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम्हारी दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता। यही तो जंग है शियों की दूसरे मुसलमानों से, उस जंग में हम खुद ही उलझ पड़े। हम कहते हैं असलमना कहना और है, आमन्ना कहना और है, इस्लाम लाना और है, ईमान लाना और है। इस्लाम लाने का मतलब क्या है कि शिया घर में पैदा हुआ, इसको अली की विलायत मिली, ये तो किस्मत थी कि तुझे अली की विलायत मिली, लेकिन सवाल यह है तुमने अली की विलायत को समझा के नहीं। मजलिस हुसैन में आए, काला लिबास पहना, शिया घर में पैदा हुआ, इसना अशरी शिया बना, लेकिन सवाल यह है कि यही जवान जब रोड पे चलता है और किसी गैर अली वाले को या अली मदद कहता है, और गैर अली वाला ये कहे कि तुमने या अली मदद क्यों कहा, जवाब ये मिले कि अब्बा ने सिखाया है। जवाब ये मिले कि अम्मी ने सिखाया है, ये जवाब है उस शिया का जो पैदाइशी शिया है। फरमाया अगर दिल में सुकून चाहते हो तो तुझे ईमान की मंजिल पे आना होगा। ईमान की मंजिल यह है कि जो अकीदा रखते हो उस अकीदे का दिफा करना भी जानो,
सिर्फ अकीदा रखना काफी नहीं है कि मैं अली का मानने वाला हूँ। अली के मानने वाले हो तो अली की खिलाफत को साबित करना भी सीखो, या अली मदद कहने वाले हो तो या अली मदद कहने को साबित करना भी सीखो। फिर कयामत में तुम और उसमें फर्क क्या हुआ, उसे कहा जाएगा तुमने अल्लाह को नहीं माना था, वो भी कहेगा हाँ खुदा उस घर में पैदा हुआ था जहाँ पर बुतों को सजदा किया जाता था, और उससे कहा जाएगा तुमने अली को क्यों माना था, ये भी कहेगा परवरदिगार उस घर में पैदा हुआ था जहाँ अली को माना जाता था। तो अल्लाह की आवाज आएगी अली को मानना है तो अक्ल से मान, क्योंकि अली इमाम अक्ल है, इमाम नकल नहीं है। ये नहीं कि तुझे दीन सिर्फ मुफ्ती से लेना है, मौलवी से लेना है, दीन अपनी अकल से लेना है। अकल कहती है अली से बेहतर इमाम था ही नहीं, तुम्हें किसी और को कैसे मानता। इल्म के मैदान में जाओ तो सलूनी का दावा करते हुए अली नजर आते हैं, शुजात के मैदान में जाओ तो टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा करते हुए अली नजर आते हैं, मौत का खौफ अगर किसी के वजूद में नजर नहीं आता तो शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर सोते हुए अली नजर आते हैं। मैं कैसे किसी ऐसे को इमाम मानूं जो रोता हुआ नजर आए, जो मैदानों से भागता हुआ नजर आए। तो ये अक्ल का तकाजा था कि अली को इमाम माना जाए, लेकिन बहस है मेरे बारहवीं सरकार पर कि तुमने इमाम को मान लिया। फरमाइए वजूद तब तक तुम्हें बरकत नहीं देगा जब तक इस वजूद का ईमान तेरे दिल में चला नहीं जाता। इसलिए कहा मौलाना ईमान का मतलब क्या, मैंने कहा ईमान का मतलब ये कि अपने इमाम का दिफा कर, इमाम जमाना का सिपाही बन। एक सिपाही वो है जो इमाम के बदन का दिफा करता है, एक सिपाही वो है जो इमाम की फिक्र का दिफा करता है। तुझे फिक्र इमाम जमाना का दिफा करना है। अगर आज कोई मुसलमान तुमसे ये पूछ ले कि शियो तुम्हारा अकीदा क्या है, का अकीदा यह है कि बारहवें सरकार मौजूद हैं, पर्दे गैब पे हैं, हजार साल से ज्यादा मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा अकीदा है, हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी आवाज़ों को सुनते हैं, तो आप पर एतराज़ कर दे भाई ये कैसे मुमकिन है, हजार साल से ज्यादा हो गया, मेरी उम्र 60-70 साल, बहुत ज्यादा 80 साल, बहुत ज्यादा 90 साल, और तेरा अकीदा ये है कि तेरा इमाम हजार साल से जिंदा है, तो आपके बच्चे को पता तो होना चाहिए जो काली कमीज पहनता है कम अज कम अपने मौला का दिफा करना तो जाने। अरे तलवार उठा नहीं सकता तो मुँह की तलवार तो उसके मुँह में मौजूद है, दुश्मन को अपने कलाम से तो शिकस्त दे सकता है, दुश्मन को अपनी तलील से शिकस्त तो दे सकता है, अगर लंबी लंबी तलीलें बच्चों को याद नहीं करवा सकते, छोटी छोटी बातें याद करवा लो। ये मकतब मकतब हलवाइत है और इस मकतब में तलील है कि मौला अली फरमाते नहनु अबनाउ तलील, हमारे मानने वाले जब भी कलाम करते हैं तलील से कलाम करते हैं। आसान सी दलील है, हर मुसलमान को दे सकते हो, लंबी चौड़ी आयतें याद करने की जरूरत नहीं है। एतराज क्या है, कैसे मुमकिन है कोई हजार साल से जिंदा हो। इस मुसलमान को कहिए मुसलमान तू कुरान के पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह के पहले क्या पढ़ता है, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ऐ खुदा मुझे किसके शर से बचा, शैतान के शर से बचा। इससे ये पूछिए ये मलून कब से जिंदा है, इसका वजूद कब से है, कभी आदम नहीं बना था, का तब से है, का अजीब मुसलमान हो, जब खुदा गुमराह करने वाले को इतनी जिंदगी दे सकता है तो क्या हिदायत देने वाले को इतनी जिंदगी नहीं दे सकता। ये मुल्ला उस पर तो ईमान रखता है, तो जिसने तुम्हारी हिदायत का बंदोबस्त लिया। लेकिन देखिए दुश्मन भी तो बड़ा तेज है ना, क्योंकि अली के मुकाबले में और अली वालों के मुकाबले में जो भी आए वो थे मक्कार, और मक्र इंसान से बड़ा काम कर रहा। उसने कहा देखो मौलाना साहब आप भी ईमान को मानते हो, हम भी मानते हैं। मैंने कहा आप भी मानते हो, क्या फर्क ये, आप कहते हैं पैदा हो चुका, हम कहते हैं पैदा होगा। हमारा अकीदा है कि इमाम जमाना पैदा हो चुके, पर्दे गैब में जहूर करेंगे, वो कहते हैं मौलाना हमारा अकीदा पैदा होंगे। देखो दोनों की सिचुएशन है, एक तरह मिल तुम भी अभी नहीं सकते,
मसला तुम भी अभी पूछ नहीं सकते, मुलाकात तुम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, दोनों एक जैसे हो। तुम कहते हो जहूर के बाद मिलेंगे, हम कहते हैं पैदाइश के बाद मिलेंगे, तो फिर ये जिद कैसी के वो जिंदा है? ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो उससे कोई फायदा ना हो, ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो उससे हिदायत ले ना सको, ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो शियों में इतने इख्तलाफात हैं हल ना करा सको, फिर ऐसे इमाम पर जिद कैसी के वो जिंदा है? आओ दोनों एक ही अकीदे पे आते हैं कि पैदा होगा तब जाके मिलेंगे। अब अगर कोई आम सा शिया होगा वो क्या जवाब दे? फंस जाएगा ना। लेकिन अगर वो दरे अली पे जाए, अली वाली अकल ले, तो दुश्मन को ऐसे ही शिकस्त दे सकता है जैसे अली इब्न अबी तालिब ने दी थी। कहां भाई ये बात सच है, आपका अकीदा है पैदा होगा, हमारा अकीदा है पर्दे गायब में है, लेकिन ये कहना कि पर्दे गायब में रहते हुए तुम्हें कोई फायदा नहीं दे रहा, तुम हिदायत ले नहीं सकते, तुम मिल नहीं सकते, इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। उसे को ये बताओ मौलवी साहब, जब कभी आप गुमराह हुए और हमने कहा कि किसने गुमराह किया, तो कहने लगे कि मौलाना शैतान ने गुमराह कर दिया। अच्छा मौलवी साहब आप गुमराह हुए, आपने शियों को काफिर काफिर कहा, किसने आपको कहा कि शियों को काफिर कहो? क्या मौलाना शैतान ने गुमराह किया। अच्छा शैतान ने कान में कहा था शियों को काफिर कहो? क्या शैतान उंगली से पकड़ के ले गया था मुसलमानों में तफरका फैलाओ? क्या नहीं मौलाना लेकर नहीं गया था? क्या तुम्हें कहा भी नहीं, उंगली से पकड़ के लेकर भी नहीं गया? फिर बता ये गुमराह कैसे करता है जो नजर भी नहीं आता, जो जबान से कहता भी नहीं है, जो उंगली से पकड़ के लेकर भी नहीं जाता, फिर भी तुम बार बार यही कहते हो खुदा उसके शर से बचा, खुदा उसके शर से बचा। मौलाना शैतान ने गुमराह कर दिया, मेरे बाप को शैतान ने गुमराह किया, मेरे भाई को शैतान ने गुमराह किया। कहा ये नजर भी नहीं आता, फिर ये तुझे गुमराह करता कैसे है? तो मौलाना मसला ये कुरान की आवाज आती है, ये मलून गायब में रह के हमारे सीनों में वसवसा करता है। अरे जब गुमराह करने वाला गायब में रह के गुमराह कर सकता है, तो क्या हिदायत देने वाला गायब में रह के हमारी हिदायत नहीं कर सकता? हिदायत के लिए इमाम का दिखना, हिदायत के लिए उसका दिखना जरूरी नहीं है। वो इमाम गैब में रह के हमारे सीनों में हिदायत कर सकता है, और इसके लिए इमाम का फरमान कि आए मेरे चाहने वाले, जब तू गुनाह का इरादा करे और तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ते जाएं, आधे रास्ते में अगर तू अपने इरादे को बदल लेता और उस गुनाह से पलट के वापस आता, ये मत समझना तेरा इरादा था, ये तेरे इमाम की फिक्र थी। और मैं जब भी तू कोई खैर का काम करता है, अच्छाई का काम करता है, इमाम ज़माना फरमाते हैं ये ख्याल मैंने तेरे जहन में डाला था, जब भी तू बुराई की तरफ जाता है वो ख्याल शैतान का ख्याल था। ये मत समझना जो रहमतें जो बरकतें तेरी जिंदगी में है, फरमाया अगर हम ना होते ये दुश्मन तुझे कच्चा चबा जाता। ये दिन ब दिन तुम्हारी तादाद में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन हुसैन के जिक्र में रौनक है। सद्दाम ने सोचा था मैं हुसैन की करबला को बंद कर दूंगा, आज दुनिया जाकर देखे अरबईन का माहौल क्या है। कब वो तो यजीद ने सोचा था एक सहरा में हुसैन को शहीद कर दूंगा, दुनिया को क्या पता एक जंगल है कोई आए थे बागी और उनको कत्ल कर दूंगा। लेकिन खुदा ने कहा यजीद ये तेरा नक्शा है, एक नक्शा मैं बनाता हूँ, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन है, और मेरे नक्शों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तुमने जिस जमीन को हुसैन के लिए जंगल बनाया था, मैं उसी जमीन को मोमिनों के लिए जन्नत बना दूंगा। मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ इशारे करते हुए आगे बढ़ूंगा। अजीजों कभी आपने सोचा ये अरबईन, ये हुसैनी जुलूस, ये नजफ से करबला पैदल जाना, ये किसी मौजजे से कम नहीं है?
कभी आपने देखा कि जब आप अरबईन पे पैदल चलते हैं आपका मिजाज बदल जाता है। वो बंदा जो पाकिस्तान में जमा करना चाहता है अरबईन में बस लुटाना चाहता है। दुनिया का नजरिया है, अगर जिंदगी बनानी है तो जमा करो। दुनिया का नजरिया है कि अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। दुनिया का नजरिया है कि बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन लिबास, ज्यादा से ज्यादा पैसा, बेहतरीन सवारी। लेकिन जब करबला जाते हो तो जिंदगी पलट जाती है। वहां न बिस्तर की परवाह है, न गर्मी की परवाह है, न पांवों के जख्मों की परवाह है। अरे जो इंसान अपने लिए जमा करता है, करबला में बच्चे रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। जितना खाना है खा ले, मेरे घर में सोना है सो ले, अपने कपड़े दे मैं फ्री में तुझे धो कर दूंगा। तो करबला में एक जज्बा मिलता है जिस जज्बे का नाम है ईसार, कुर्बानी, लुटाना, देना, वजूद को मिटाना। यही तो वो नजरिया है जिस पर हुसैन करबला गए थे। क्या होता है इस मोमिन को जब करबला जाता है? करबला और अरबईन कड़ी है इमाम जमाना के जहूर की, कि देख जब तेरा मौला आएगा तो सिर्फ करबला में नहीं पूरी दुनिया में ये माहौल होगा। मोमिन अपने घर के दरवाजों को गरीब के लिए खोल देगा जिस तरह करबला में खोल देता है। दुनिया प्यासों के लिए पानी की सबीरें लगा देगी जिस तरह करबला में लगती हैं। जिस तरह करबला में कोई भूखा रात को भूख से सोता नहीं अरबईन पे, मोमिन कहता और कितना खाऊं? नहीं, एक लुकमा खा ले ताकि मेरे हुसैन की न्याज कबूल हो जाए। जब तेरे मौला का जहूर होगा, कायनात में ऐसी हुकूमत होगी, लोग अपने घरों के दरवाजों को खोल देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई प्यासा नहीं सोएगा, क्योंकि ये उसकी हुकूमत है जो अली का बेटा है। इमाम फरमाते ये मुमकिन नहीं कि अली की हुकूमत में रात को कोई भूखा सो जाए। वो हुकूमत कैसी जिस हुकूमत में भूखा सो जाए? फरमाया वो अली की हुकूमत नहीं। तो ऐ मोमिन, तुझे उस हुकूमत का इंतजार करना है, तुझे उस खुशखबरी के दिन का इंतजार करना है जब तेरे मौला आएंगे, अलम को लहराएंगे। लेकिन दो जुमले और मुसीबत इमाम, लेकिन उस मौला को लश्कर की जरूरत है। ये दुआ करना कि मुझे उसके लश्कर में शामिल करो, ये दुआ गलत है, ये दुआ न किया करो। ये दुआ करो कि मौला का लश्कर मौजूद है, मुझे उस लश्कर का सिपाही अभी बना। इमाम आएंगे, कोई लश्कर आसमान से लेकर नहीं आएंगे। अरे मोमिन, आप ही में से लश्कर बनेंगे। इमाम कोई लश्कर बनाएंगे नहीं, ये मजलिस में जो मोमिनीन आएंगे मौला का लश्कर है। तुम मानता क्यों नहीं तू मौला का लश्कर है? तो उस लश्कर में क्या तेरे मौला को किसी अब्बास की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में मौला को किसी जैनब की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में इमाम को किसी अली अकबर की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में मौला को किसी हबीब इब्ने मबाहिर की जरूरत नहीं? अरे हुसैन की करबला बगैर हबीब के करबला नहीं है, हुसैन की करबला बगैर जुहैर के करबला नहीं है, हुसैन की करबला बगैर सैयदा जैनब के करबला नहीं है। तो आज भी तेरे मौला को किसी जैनब की जरूरत है, तो तू अपने मौला का अब्बास बन क्यों नहीं जाता? तो अपने मौला का अली अकबर बन क्यों नहीं जाता? इमाम फरमाते मुझे अकबर की जरूरत है, मुझे अब्बास की जरूरत है। सिर्फ अब्बास का नाम लिया न करो, अब्बास का अदब अपने वजूद में पैदा किया करो। इमाम किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, मोमिन जब वापस अपने गांव जाओ, उस बूढ़े को सलाम करना जो आजादारों की जूतियां बनाता है। हुसैन के नजदीक अदब की बड़ी अहमियत है। फरमाते वाह अदब बन, जब तेरा अकीदा है कि तेरा मौला तुझे देख रहा है, तो मोमिन उस इमाम के सामने कभी बेअदबी न किया कर। बेअदब महरूम अज लुत्फे रब। फरमाया तू एक कदम बढ़ा, अहलुबे फरमाते हम 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा कर आगे आते हैं। एक बहुत गुनहगार शख्स था अजीजान मोहतरम, शहर का बदतरीन गुनहगार, बदतरीन शराबी थी। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं मुहर्रम की पहली मजलिस पढ़कर अपने गांव की तरफ रवाना था। इसका नाम था अली गंदाब।
गंदाब गांव था वहां का रहने वाला, लेकिन अपने गांव का मशहूर शराबी थे। तो मौलाना साहब जैसे वापस आए, रास्ते में शराबी को खड़ा होता हुआ देखा, नशे की हालत में खड़ा था। कहो मौलवी साहब कहाँ से आ रहे हो? इन्होंने कहा मैं हुसैन की मजलिस पढ़ के वापस आ रहा हूँ। अच्छा मुहर्रम हो चुका? कहा हो चुका। कहा मौलवी साहब मजलिस में क्या पढ़ते हो? इसने कहा हुसैन के फजाइल फरामीन मसाइल। कहा मुझे भी तो सुना, मैं भी तो सुनूं हुसैन की मजलिस कैसे होती। मौलाना साहब कहते मैं डर गया, बदमाश है शराबी है, कहीं ऐसा ना हो लड़ न दे, चाकू निकाल के जख्मी न कर दे, बदमाश आदमी था। मैंने बहाना बनाया, मैंने कहा देखो मजलिस ऐसे नहीं होती, मजलिस के लिए मिंबर हो, मजमा हो, कुर्सी हो, कहीं बैठ के फजीलत के साथ हुसैन का जिक्र किया जाए। तो देखिए अदब कभी कभी इंसान को बड़े बड़े मकामात अता कर देता है। इसने कहा मौलाना साहब अगर मिंबर नहीं तो क्या हुआ? इसने दीवार के साथ तकिया लगाया, जिस तरह आप रुकू में जाते हैं इस तरह रुकू में गया, और उसने कहा मेरी कमर आपके लिए मिंबर है, बैठ जाइए और मुझे सुनाइए चंद जुमले के तुम पढ़ते क्या हो मेंबर। मौलाना साहब कहते मजबूर हो गया। मैंने कहा अगर बैठता नहीं तो ये लड़ता है, नशे की हालत में क्या करूं। कब मैं उसकी पीठ पे बैठ गया। बैठने के बाद मैंने चंद हदीसें मौला की फजीलत में पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि मसाइब क्या पढ़ूं। तो अचानक मेरे जहन में आया कि अली असगर के दो जुमले पढ़ूं। तो मैंने कहा कि मेरा हुसैन बड़ा मजलूम था, बेटा था अकबर उसको भी शहीद कर दिया, भतीजे थे उन्होंने मोहम्मद वो भी शहीद हो गए, अब्बास जैसा भाई था जालिमों ने उसके बाजू भी काट दिए, हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, पानी पिलाने के लिए गए जालिमों ने उस बच्चे के गले में भी तीर लगा दिया। इतना कहना था, मैं अली गंदाब की कमर पर बैठा था, उसकी कमर लरजने लगी, उसके वजूद में कप कपा हटतारी हो गए। एक मरतबा का मौलाना जल्दी उतरो, और रोते रोते मुझे कहा कि मौलाना इतने जालिम थे, जब बेटा मार दिया, जब भाई मार दिया, 6 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया, तो इतना मजलूम था मेरा हुसैन। मौलाना साहब ने कहा इतने मजलूम थे हमारे आका हुसैन। का ये कहते हुए रोता हुआ जबान पर हुसैन हुसैन करता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। मौलाना कहते हैं चंद दिनों के बाद में गांव में उठा, लोगों में बैठा, मैंने कहा वो अली गंदाब कहाँ है? क्या मौलाना पता नहीं। घर वाले कहते हैं सामान उठाकर कई दिनों से गाँव से चला गया। देखिए ये मजलिस इंसान को होर कैसे बनाती है। 70 साल से कोई मुसीबत असगर सुने लेकिन इंसान न बने, इसका मतलब ये मुसीबत इसे कुछ नहीं दे रही। अरे जवान तो अली अकबर के मसाइब सुने पर अकबर की सीरत न आए, ये मुसीबतें होर बनाने के लिए है, सिर्फ रोने के लिए नहीं है। कहते 3-4 साल के बाद, कई सालों के बाद मैं नजफ गया। नजफ में जैसे हरम अली में आए इस्फहानी बहुत पुराने मुश्तहिद के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा, तो मैंने नमाज की पहली सफ में अली गंदाब को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने आगा इस्फहानी के पास गया, मैंने कहा मौलाना आप इसको जानते हैं ये कौन है? कहा जब से ये बंदा नजफ आया है इससे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। रात के 2 बजे अली के हरम आता है, 1 बजे मस्जिद कूफा जाता है। लोगों ने इसको चीखते हुए रोते हुए देखा है, रो रो कर 2-2 घंटे रोता है, सजदे में जाकर कहता है परवरदिगारा अगर तुमने अली गंदाब का ये गुनाह माफ कर दिया तो दूसरे गुनाह का वो क्या करेगा, अगर तुमने दूसरा गुनाह माफ कर